सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। 24 मई यानी शुक्रवार को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए क्वालिफायर 2 मैच में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हरा दिया। मुकाबले में राजस्थान को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। हैदराबाद की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले वो 2016 और 2018 सीजन के भी फाइनल में पहुंची हुई। 2016 के सीजन में तो हैदराबाद चैंपियन भी रही। अब फाइनल मुकाबले में 26 मई यानी रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कोलकाता की टीम ने क्वालिफायर 1 में हैदराबाद को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई थी। मुकाबले टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान का स्कोर एक समय 1 विकेट पर 65 रन था, मगर उसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा ने मिलकर बाजी पलट दी। शाहबाज ने यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और आर अश्विन को आउट किया। वहीं अभिषेक ने संजू सैमसन और शिमरॉन हेटमायर के विकेट लिए। ध्रुव जुरैल ने जरूर 35 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाकर राजस्थान को मैच में वापस लेने का प्रयास लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जुरैल ने अपनी नाबाद पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं यशस्वी ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 21 गेंदों पर 42 रन बनाए। शाहबाज ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं अभिषेक ने 4 ओवर्स में 24 रन खर्च करके 2 सफलताएं हासिल की। टी नटराजन और पैट कमिंस को भी 1-1 विकेट मिला। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट पर 175 रन बनाए। हैदराबाद के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सबसे ज्यादा यानी 34 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 37 और ट्रेविस हेड ने 34 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स की ओर से ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। वहीं आवेश खान को 2 विकेट मिले। बता दें कि इस मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपने कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम और तेज गेंदबाज जयदेव पुनादकट की वापसी हुई। वहीं श्रीलंकाई स्पिनर विजयकांत व्यासकांत इस मैच से बाहर रहे। तो राजस्थान रॉयल्स की इस करारी हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।